चैनल गाइस, आज है दूसरा दिन गोवा में। इससे पहले का अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो सबसे पहले ये पहले वाला व्लॉग देखिए। फिर आज दूसरा दिन है, ये दूसरा न्यू व्लॉग चालू हो रहा है, तो पहला व्लॉग देखोगे तो ये वाला व्लॉग ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहीं से पास में जो बीच था वहाँ पर हमने रात को डिनर किया एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग डिनर। क्या मज़ा आ गया डिनर करने में। कॉन्टिनेंटल भी था, इंडियन भी था एंड काफ़ी अच्छा था। एंड लाइक हम बहुत लेट नाइट हो गए तो आज दिन का शुरुआत थोड़ा लेट हुआ है। अभी हम थोड़ा जाएंगे, कुछ खाएंगे और उसके बाद हम थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जाएंगे। एंड वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सो कूल है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो लेट्स सी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी में क्या क्या है और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस राइट नाउ अभी हम आए हैं पिज़्ज़ा हट, इधर थोड़ा कुछ खाएंगे, उसके बाद अभी हम जाएंगे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग, पैरा सेलिंग, शायद सी वॉक भी है यहाँ पे। वो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा उसके लिए अगर टाइम मिलता है तो वहाँ पे, और बनाना बोट, जेट्स की राइड, बहुत कुछ है यहाँ पे। पहले कुछ पिज़्ज़ा विज़ा खाते हैं उसके बाद निकलेंगे। अभी यहाँ पे अभी हम वापस बीच पे आए हैं यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए बात करने, लेकिन आज यहाँ पे हवा इतना ज़बरदस्त तेज चल रहा है, ज़बरदस्त तेज चल रहा है। ये देखो, ये कहा था इसका अम्ब्रेला उड़े ना जाए। ये देखो फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे, फोटोग्राफर मिस्टर युवराज सिंह कुशवा एंड मॉडल मिस्टर दीपांशु सिंह श्वार्ज़ेनेगर। रुको बता दो। सो गाइस अभी अब पता चला है इलेक्शन की वजह से या पता नहीं किसी रीज़न से सारे के सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद कर दिए गए हैं, 5 दिन के लिए रद्द कर दिए गए हैं। तो अभी हमको एक पर्सन मिले जो हमारे लिए स्पोर्ट्स बाइक मिल रही है चलाने के लिए। एंड पर पर्सन इन लोगों ने हमें 1700 रुपीज़ चार्ज करने का बोला था, लेकिन हमने थोड़ा नेगोशिएट किया, इंडियन है तो नेगोशिएट तो हमेशा करते ही है, थोड़ा नेगोशिएट किया और 1250 रुपीज़ में डन कर दिया चार्ज। बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर किया और आपने वीडियो देखा इतना ज़बरदस्त था और चारों हम चार लोगों ने किया और इतना मज़ा आ गया। थैंक यू अनवर भाई, आप कभी भी गोवा आओ तो अनवर भाई का अगर आपको यहाँ पे मस्त एकदम राइडिंग करनी है, आपको एक्टिविटीज़ करनी है तो आप कॉन्टैक्ट अनवर भाई का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनको कॉल करो या आपकी बुकिंग कर देंगे, प्लस आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देंगे अगर आप पैकेज पूरा बल्क पैकेज परचेज करते हो तो। इनका नंबर ले लो, इनको कॉल करो और उनका पूरा पैकेज अगर आप लेते हो तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये यहाँ का स्ट्रीट है जो काफ़ी फेमस स्ट्रीट है और यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको।
आपको ए टू जेड खाने पीने का भी मिलेगा, शॉपिंग के लिए भी कुछ बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको अगर आप देखना चाहो शॉपिंग के लिए। प्लस आपको स्पा भी मिल सकता है इफ़ यू आर टायर्ड, आपको मसाज वगैरह चाहिए, स्पा वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, क्लब्स भी मिल जाएंगे, काफ़ी कुछ है। ये दिस इज़ लाइक पताया का जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना, ये सेम वैसा ही स्ट्रीट है। और अभी हम लोग इसको देख रहे हैं कि अभी हमको क्या खाने का है। स्पा और क्लबिंग्स में तो अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि थोड़ा जल्दी सोने का प्लान है आज। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा है लेकिन वेज ऑप्शन भी काफ़ी थे, तो अभी हम इधर खाने आए हैं, इधर थोड़ा मस्त खाएंगे। अभी बहुत क्या हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है ना, थोड़ा जल्दी खाने का, जल्दी सोने का, जल्दी उठने का, हेल्दी लाइफस्टाइल। ब्रेकफास्ट आज दिन का शुरुआत बहुत सुबह हो गया था, आई वेक अप एट 6 o'clock, उसके बाद मैंने थोड़ा मेडिटेट किया, थोड़ा वॉक किया, उसके बाद अभी 9 बजे हैं एंड आई एम हैविंग दिस लाइक ब्यूटीफुल हेल्दी ब्रेकफास्ट। और भाई इट इज़ टाइम टू चेक आउट नाउ। 2 दिन का स्टे था, ज़बरदस्त स्टे था, मज़ा आ गया इस होटल में। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, स्विमिंग पूल भी अच्छा है यहाँ पे, पूल भी खेल सकते हैं, रेस्टोरेंट भी अच्छे हैं इनके। तो मोस्टली जितने भी सारे रेस्टोरेंट्स हैं आप देख सकते हो, ये जितने भी हैं मोस्टली 90% रेस्टोरेंट सारे ओपन रेस्टोरेंट्स हैं। जितने भी एसी डाइनिंग हॉल्स हैं या मतलब जितने भी डाइनिंग हॉल हैं ना जिसमें एसी हो या पैक्ड हो, वो बहुत कम है, शायद 10% या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। एंड मोस्टली जितने भी यहाँ पे खाने का आइटम है वो नॉनवेज है, नॉनवेज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उसमें से 30-40% आते हैं फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स आपको पता है कि वेजिटेरियन बहुत कम खाते हैं और हम पूरे टाइम वेजिटेरियन खाते हैं। हाँ ऑप्शंस हैं लेकिन नॉनवेज यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, जो जितने भी व्यूअर्स हैं जो नॉनवेज खा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेश प्रॉन्स, काफ़ी अच्छी सी फूड आइटम्स मिल सकती हैं। सो ये मार्केट है कैलंगड़ बीच मार्केट, यहाँ पे ए टू जेड सारी चीज़ मिलती है, यू कैन सी गॉगल्स हियर। उसके बाद ये अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। यहाँ पे अलग अलग टी शर्ट्स भी हैं, मेंस वेयर, किड्स वेयर एंड वुमेन वेयर, सारे सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा काजू के शॉप्स हैं क्योंकि गोवा में काजू काफ़ी अच्छा मिलता है। आई एम नॉट श्योर कि काजू आता कहाँ से है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे काजू काफ़ी अच्छा मिलता है, सो वी आर गोइंग टू बाय सम काजू। तो अच्छा काजू लेते हैं, रोस्टेड काजू, मसाला काजू, नॉर्मल काजू, सॉल्टेड काजू, यहाँ से ज़्यादा लेके जाते हैं। उधर क्या, इधर थोड़ा सस्ता भी मिलता है, उधर थोड़ा महंगा मिलता है, ले लेते हैं। ये है द काजू शॉप, ये भैया से हम कल मिलके गए थे, इन्होंने ये भैया ने हमें प्रॉमिस किया था कि हमें अच्छे सा डिस्काउंट देंगे, तो अभी हम वापस आए हैं। क्या नाम है आपके शॉप का? शॉप का नाम है गोवन काजू। ये गोवा में मुझे नया पता चला, यहाँ पे अल्कोहल वाली चॉकलेट आती है, ये अल्कोहल वाली चॉकलेट है, कितने रुपए की है? 150 रुपये की ये अल्कोहल वाली चॉकलेट है, और इसमें मतलब अल्कोहल होता है ना कंटेंट। सो मैं तो जनरली मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, लेकिन कोई भी यहाँ पे आ रहा है और अल्कोहल वाला चॉकलेट लेना चाहता है तो इनके शॉप में आ सकता है, क्योंकि इनका शॉप कैलंगड़ जो बीच है उससे बहुत पास में है। तो काजू का क्या रेट है मतलब यहाँ पे? सिल्के वाले 600 है, वाले वाला 700। ओके, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है? 600-500 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कितने तक के हैं आपके पास, कितने रुपए तक के? 1200 रुपये तक, मतलब प्रीमियम क्वालिटी 1200 रुपये की आती है। एक नंबर वो काजू, एक इंच का एक काजू, इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा एक काजू आएगा। ओके, हम आए पास के मार्केट में, यहाँ पे बहुत बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीट फूड है पूरा, मतलब यहाँ पे 20 से ज़्यादा लॉरीज हैं, मतलब पूरा स्ट्रीट फूड ए टू जेड, आपको कोई भी स्ट्रीट फूड आइटम मिल जाएगी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।